उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम समुद्र की दुनिया। शंख और सीपियां, लहरों के नीचे का संसार, वाह, पहाड़, घाटियां, अरे नमक का पहाड़, ये क्या लिखा है? व्हेल, शार्क, गहराई हजारों फीट, बाप रे, थोड़ा और पढ़ूं, इसमें तो मजा आ जाएगा। बेटा, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? माँ बहुत अच्छी किताब है, इसे पढ़कर लग रहा है कि मैं समुद्र के अंदर की सैर कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ की अद्भुत दुनिया को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तुम अभी तक सोई नहीं हो? माँ किताब पढ़कर मजा आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। ठीक है माँ। अरे वाह, कितने सुंदर शंख और सीपियां, हर एक रंग और आकार के। तुम सिर्फ इन्हें ही देखकर हैरान हो? अगर तुम मेरे साथ अंदर की दुनिया देख लो तब तो दंग ही रह जाओगे। अरे ये आवाज कैसी, कौन है? मोनू बेटे, मैं सागर हूँ। सागर? हाँ, मैं अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, क्या तुम जानना चाहोगे? हाँ जरूर, बताइए ना। तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन लगातार आती अनगिनत लहरों के नीचे का संसार कैसा है। इसके नीचे भी पानी ही भरा होगा ना? पानी ही नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारी पृथ्वी की तरह पहाड़, घाटियां, दरारें, ज्वालामुखी, वनस्पतियां, जीव जंतु, सब कुछ है। ये तो बड़े अचरज की बात बताई आपने। पहाड़, वनस्पतियां, जीव जंतु, हाँ। बेटे, यहाँ एक और इतने छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें तुम सूक्ष्मदर्शी के बिना देख ही नहीं सकते है? बेटा, दूसरी ओर है दुनिया का सबसे बड़ा जीव, व्हेल मछली। हाँ। बेटे बोलू, व्हेल मछली के बारे में तो तुमने पढ़ा ही होगा। हाँ, पर क्या इनमें आपस में लड़ाई नहीं होती? लड़ाई और सहयोग दोनों ही होते हैं। बड़े जीव छोटे जीवों को अपना आहार बनाते हैं। अच्छा। और बड़े जीवों के मरे हुए शरीर को छोटे जीव अपना भोजन बनाते हैं। पानी में रहने वाले जीव बड़ी संख्या में अंडे देते हैं। एक दूसरे का आहार बनने के क्रम से ही संख्या संतुलित रहती है। बाबा, हमें आपके अंदर बसने वाले और जीवों के बारे में बताइए ना। बताता हूँ। सुनो बेटा, स्टारफिश, जेलीफिश, सी हॉर्स के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हाँ। पढ़ा होगा। लेकिन बेटे, क्या तुम जानते हो कि स्पंज, जिसका उपयोग तुम अपने घर में कई कामों में करते हो, वो भी एक समुद्री जीव है। क्या स्पंज जीव है? हाँ बेटा, स्पंज भी एक जीव है। चा? जो गहरे समुद्र में किसी चट्टान से चिपक कर पड़ा रहता है। इसका पेट, मुंह, आंख, नाक कुछ भी नहीं होता। फिर यह जीवित कैसे रहता है?
इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अच्छा। हाँ, जिनसे ये अपना भोजन पानी से सोखता रहता है। और जानते हो, मूंगा जिसे मनुष्य एक कीमती पत्थर मानता है, वो भी एक जीव है। क्या, मूंगा भी जीव है? पिताजी तो उसे अंगूठी में पहनते हैं। हाँ बेटा, ये भी जीव है। ये अपने कोमल शरीर के आसपास चूने का एक खोल बना लेता है। अच्छा। ये समूहों में रहता है। और मरने के बाद भी इनका खोल समूह से जुड़ा रहता है। अच्छा। और एक चट्टान के रूप में दिखाई देता है। सच? हाँ। और जानते हो, मूंगे की एक बड़ी चट्टान ऑस्ट्रेलिया के पास पाई गई, जो 2000 किलोमीटर लंबी है। बाप रे। हाँ। 2000 किलोमीटर लंबी? हाँ, इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा बाबा, हुँ? आप बता रहे थे कि समुद्र में पहाड़ पर्वत वगैरह भी हैं। मेरी तलहटी में एक 64,000 मील लंबी पर्वत श्रेणी का पता चला है। बाप रे। हाँ, इस पर्वत श्रेणी को मिड ओशियन रेंज कहा जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? बहुत आसान है, माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही मोनू, बिल्कुल सही। लेकिन अगर समुद्र के अंदर के पर्वत इसमें जोड़ दिए जाए, तो तुम्हारा जवाब गलत हो जाएगा। हाँ, मैक्सिको की खाड़ी में सागर के अंदर 480 किलोमीटर चौड़ी और 1000 किलोमीटर लंबी खाई में एक पर्वत श्रेणी के कई पहाड़ एवरेस्ट से दुगनी ऊंचाई के हैं। बाप रे, एवरेस्ट से दुगनी ऊंचाई की? और जानते हो, ये पहाड़ नमक के बने हैं। इनमें तेल और गैस के भंडार हैं। मैंने सुना है कि मोती भी सागर से मिलता है। ठीक, बिल्कुल ठीक सुना है बेटे तुमने। और जानते हो, इसे भी एक समुद्री जीव सीप ही तैयार करता है। वो कैसे बाबा? देखो, सीप के अंदर जब कोई बाहरी कण प्रवेश कर जाता है, तो सीप का जीव अपने बचाव के लिए उस पर मुक्ता रस छोड़ता है, जो उस कण पर धीरे धीरे जमता जाता है। अच्छा। और कई परतें चढ़ जाने के बाद मोती तैयार होता है। सच? कितनी मेहनत और मुश्किल से तैयार होता है मोती। सागर बाबा, आप कितने अच्छे हैं। कितनी कीमती चीजें आपके अंदर हैं। हाँ, है तो सही, पर इनका लालच कभी मत करना बेटा। जानते हो क्यों? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे अरे सागर बाबा, सागर बाबा। अरे मोनू बेटा, मोनू बेटा, उठो बेटा, ये सोते सोते किसे पुकार रहे हो? उठो बेटा, सुबह हो गई। तो मैं सो रहा था, मैं सपना देख रहा था। समुद्र की दुनिया। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉक्टर कौशल शर्मा, कलाकार जैमिनी कुमार, शारदा गुप्ता एवं रसज्ञ, ध्वन्यांकन बटी लैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।